ठीक है चलो ना हो गया। हाईवे पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है भाई, ये नया रूल मैं सुन रहा हूँ। আমি শাপং মোজা মুছি দি ভলান্টিয়ার মানে কোনো সার্জেন্ট নেই দিয়ে ওকে দিয়েছি ওই যে আমি কি পুলিশ না হলাম না তুমি ভলান্টিয়ার মার এই অফিসারকে দেখে কেস কই দাও আরে সার্জেন্ট কা বাত শুনেগা কেস দেগা কেস খায়েগা হ্যাঁ হো রহা গিয়া मैं पूरा मन पैसा जब मतलब जो भी कमाता हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जमा करता हूँ। कभी ये नहीं बताया कि मैं कितना EMI पे करता हूँ अपने BMW S1000 RR का पर मंथ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं AGV लेने के लिए K1 फर्स्ट गियर में ये गाड़ी कितना जाता है देखता हूँ टॉप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि हम एक हेलमेट ले रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा हेलमेट था ना हमारा, ये वाला जो हम बाइक यूज करते हैं उसके लिए, ये सेफ नहीं है। हेलमेट लेना मतलब क्या बोले, गर्लफ्रेंड जैसा सारा मतलब लगभग बहुत टाइम तक चलता है, फिर उसके बाद ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लोगों को पता ना AGV हेलमेट कितना एक्सपेंसिव होता है, जाएंगे हेलमेट को लेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले भी ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग दिखाते अपने गाड़ी में ना, यहाँ से जो डीकैट किया गया ना, यहाँ से हवा लीक हो रहा है, यहाँ से हवा लीकेज हो रहा है। ये वाला कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से जो हवा लीकेज हो रहा है ना भाई, जिसकी वजह से आवाज थोड़ा उतना लाउड नहीं आ रहा जितना लाउड मेरे को लग रहा है। आप लोगों को माइक में सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, एक मैल फंक्शन लाइन मतलब वहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर है, आप लोगों को पता ना BMW कितना ज्यादा सेंसर से भरा हुआ था। ये देखो ये रहा O2 सेंसर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर, और जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये ना मैल फंक्शन लाइट देख सकते हो, ये रहा मैल फंक्शन लाइट। वहाँ पे O2 सेंसर बोलते हैं उसको, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैल फंक्शन लाइट भी जल चुका है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ भाई, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, कैसे आप एक सुपर बाइक ओन कर सकते हो, मैं ये हमेशा बताया हूँ। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि मैं कितना EMI पे करता हूँ अपने BMW S1000 RR का पर मंथ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने BMW S1000 RR का हर महीने कितना EMI पे करता हूँ। मैं पूरा मंथ पैसा जब मतलब जो भी कमाता हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जमा करता हूँ। एंड देखो यार ये रहा वहाँ पे कुछ पैसा जो जमा किया हुआ है EMI के लिए। अपना गाड़ी हो रहा है कोल स्टार्ट, एंड कोल स्टार्ट में बहुत चिल्लाता भाई, अरे बाप रे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तो गाइस अभी सीन क्या हुआ ना, ये जो बाइक के पीछे जो पिलियन बैठा हुआ था ना, वो मेरा वीडियो बना रहा था। एंड सिविक वॉलंटियर पूछ रहा है कि भाई क्यों आप वीडियो क्यों बना रहे हो, ये नहीं पूछ रहा भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना है पिलियन सीट वाला या कुछ भी, वो उसका क्वेश्चन है भाई आप लाइव वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो क्यों कर रहे हो। हाईवे पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है भाई, ये नया रूल मैं सुन रहा हूँ। ये गलत चीज है, চালান করবে বলছে, अरे भैया छोड़िए ना, झगड़ा क्यों कर रहे, चलिए ना सार्जेंट का बात सुनेगा केस देगा केस खाएगा। हाँ আরে ভাই আগে Thank you.
अरे भाई गाड़ी का पॉल्यूशन। मैं जो टेनर चला के लेके आया था ना भाई, वो शोरूम का था गाड़ी, एंड उसका ना पॉल्यूशन फेल था। तो पुलिस को ना अचानक से ऐसे एक टॉपिक मिल गया, एंड बस उस टेनर के पीछे पड़ गया कि सर पॉल्यूशन फेल है, चलान होगा, ये होगा होगा। उतना जैसे बात किसी और टॉपिक पे हो रहा था, कैमरा वीडियो को लेके। और अभी टॉपिक पूरा चेंज, आप लोग देखोगे। बड़ा फंस गया। अरे भाई तू छाड़ ना सुजो। तुम जाओ, तुम बाड़ी जाओ। तुम क्या ना एक हो चलो ठीक है चलो ना चलो ना हो गया आपने छोड़ दिया भाई, जल्दी भागो यहाँ से। बहुत बड़ा कचाल हो गया भाई पीछे, मतलब एक ठूस का फॉल्ट पकड़ लिया सिविक का, तो मतलब फंसाने में लग गया कि पॉल्यूशन फेल है, ये फेल है, वो फेल है। भाई क्या बोलूँ भाई, सीनियर बात कर रहा है यहाँ पे, सिविक का बात करना कुछ ये नहीं है ना। अरे भाई बहुत बड़ा कचरा हो गया, चलो आ क्यों नहीं रहा अभी। BMW सुरजा चला रहा है, ZX TNR हम चलाएंगे भाई। साउंड इसका गजब है भाई, एरो का लेकिन एक्सट्रीम लाउड है, एक्सट्रीम लाउड बोलूंगा मैं इसको। गजब। टेनर का मैं चलाया, मजा आया, लेकिन ब्रेकिंग मेरे को उतना सही नहीं लगा, कॉन्फिडेंट नहीं मिला जितना अपने स्टर्नर पे मिलता है। AGV लेने के लिए K1 तो हमने ले लिया, एंड इसमें हमने गोल्डन वाइजर लाएंगे, एंड काफी सुंदर लगेगा देखने में। तो जिसका ना अभी मंथली हर मंथ का EMI अराउंड 53,000 रुपीज आता है, ऑलरेडी 3-4 मंथ हो चुका है, शायद मैंने मार्च में लिया था, मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ हो चुका है। यहाँ पे विंकलेट लगना अभी बाकी, बहुत सारा ना कार्बन फाइबर पार्ट्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद ना अपने एक्स्ट्रा को वन ऑफ द मोस्ट लोडेड एक्स्ट्रा इन वेस्ट बंगाल बनाने का मेरा प्लान है। अगर आप लोग साथ दोगे तो गाइस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। की खाबे